तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक और प्लेइंग 11 लेकर। प्लेइंग 11 किसकी? अब सनराइजर्स हैदराबाद की। मैं आप लोगों को बताऊंगा, लखनऊ की हमने बता दिया, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद में मेरे भाई बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी वापस आ चुके हैं और बाकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी वापस आ चुके हैं। तो यहां पर क्या है, जो इनके कप्तान कौन थे, एडम मार्करम मेरे भाई, वो वापस आ चुके हैं। और अपने साथ किन को लाए हैं? दो और खिलाड़ियों को लाए हैं, हेनरिक लासन को लाए हैं, मार्को को लाए हैं। तो ये भी खिलाड़ी वापस आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर ये एसआरएच की जो टीम है ना भाई, तूफानी हो जाएगी, बड़ी धुआंधार हो जाएगी, लखनऊ वालों की हालत खराब कर देगी। लेकिन मैं बताऊंगा कि अब लखनऊ के खिलाफ एसआरएच की टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और किस एक कॉम्बिनेशन के साथ सनराइजर्स हैदराबाद को जाना चाहिए। मेरे भाई याद रखना, हैदराबाद की टीम इस बार बहुत दमदार है। एक अच्छे खिलाड़ी के हाथ में हैदराबाद की कमान है और टीम के पास कॉम्बिनेशन भी बहुत सॉलिड है। अब पहले मुकाबले की क्या टीम थी मैं बताऊंगा, उसके बाद में अगले की क्या होगी लखनऊ के खिलाफ ये बताऊंगा। देखिए, मयंक थे, अभिषेक थे, ब्रुक थे, त्रिपाठी थे, सुंदर थे, फिलिप्स थे, समद थे, समद वैसे आए थे, उसके बाद में राशिद खान थे, भूवी थे, उमरान, नटराजन, फारूकी। ये प्लेइंग 11 थी, मतलब पहले मुकाबले में। अब दूसरे में क्या होगी, बहुत बड़े बदलाव होंगे। मेरे हिसाब से तीन बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब ये होगा कि मयंक तो होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभिषेक उनके साथ ओपन करने के लिए आएंगे। ये दोनों की ओपनिंग जोड़ी रहने वाली है, बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पर रहने वाली है, क्योंकि अगर बेहतर करना है सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में, क्योंकि लखनऊ के घर में खेलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है, तो इन दोनों को बहुत बेहतर करने पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मैदान है, दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, इसीलिए इन दोनों भारतीयों को बेहतर काम करना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है ओपनर के तौर पर रन बनाने की, खासतौर पर मयंक अग्रवाल के कंधों पर, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतर कर चुके हैं, भारतीय मैदानों पर खेल चुके हैं, टीम इंडिया में भी खेल चुके हैं, तजुर्बा उनके साथ है, तो यहां पर रहने वाला है। उसके बाद नंबर तीन पर अब मार्करम आने वाले हैं। यहां पर नंबर तीन पर खुद कप्तानी पारी खेलने के लिए मार्करम आने वाले हैं। तो मार्करम जो है आते ही इस टीम को मजबूती देंगे, ये सीधी सीधी सी बात है। कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर मार्करम जो है वो बेहतर करेंगे। उसके बाद में यहां पर नंबर चार पर ब्रुक्स को ये रखेंगे। भाई इतना पैसा दे दिया है तो वैसे ही थोड़ी फ्री में बैठाने की थोड़ी देंगे, तो ब्रुक्स को ये अपने प्लेइंग 11 में रखेंगे। नंबर चार पर आपको ब्रुक्स जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर क्या है, नंबर पांच पर कौन आएगा? नंबर पांच पर मुझे ऐसा लगता है कि हेनरिक क्लासन वापस आ जाएंगे। क्लासन जो है ना वो नंबर पांच पर आ जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स जो है वो बाहर हो जाएंगे। क्लासन भी क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज है और इस वक्त अच्छी टच में भी है, आए हैं, खेल कर आए हैं, तो हेनरिक क्लासन यहां पर आपको नंबर पांच पर नजर आएंगे। तो विदेशी खिलाड़ी से ट्रांसफर हो जाएगा क्लासन के तौर पर, फिलिप्स से क्लासन आ जाएंगे, तो नंबर पांच पर आपके हेनरिक क्लासन हो गए। उसके बाद में आपके आ जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर, यहां पर। तो यहां पर जो है ये अच्छी एक प्लेइंग 11 बनती जा रही है सनराइजर्स हैदराबाद की भी। आप सोचिए, मयंक अग्रवाल है, अभिषेक शर्मा है, खुद मार्करम आ गए हैं, ब्रुक्स हैं, क्लासन है, सुंदर है, तो नंबर छह तक इनके पास बहुत सॉलिड बल्लेबाजी है। ऐसा नहीं है कि कमजोर है, बहुत सॉलिड और तगड़ी बल्लेबाजी नंबर छह तक इनके पास है, बहुत सॉलिड है। तो यहां पर क्या है, सॉलिड हो गई। अब उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आ जाएंगे ऑलराउंडर्स की शुरुआत हो जाएगी। इनके पास अब मार्को जेंसन एक आ गए हैं, तो मार्को जेंसन जो है वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हाल ही में हमने उनका कुछ अच्छा अवतार देखे हैं, बल्लेबाजी के कुछ अच्छी शॉट्स देखे हैं, कुछ पारियां देखी हैं, तो मार्को जेंसन नंबर 7 पर आ गए, बहुत सॉलिड हो जाएगा ये टीम। प्लेइंग 11 बहुत सॉलिड बनती जा रही है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छी होती जा रही है। उसके बाद में नंबर 8 पर कौन आएगा, भुवनेश्वर कुमार, भूवी नंबर 8 पर आ गए, भुवनेश्वर कुमार, वो भी गेंदबाज तो खैर ही है, बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत एक दो चौके मार लेंगे, तो यहां पर क्या है, भुवनेश्वर कुमार नंबर 8 पर आ गए। अब उसके बाद में नंबर 9 पर कौन आएगा, नंबर 9 पर आएगा नटराजन। नटराजन मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में खेलने वाले हैं, नटराजन खेलेंगे इस मुकाबले में और नटराजन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आएंगे नंबर 10 पर उमरान मलिक, नंबर 10 पर आएंगे उमरान मलिक। तो ये जो प्लेइंग 11 इनकी बनती जा रही है, ये प्लेइंग 11 इनकी बहुत सॉलिड होती जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि पहले में मयंक अभिषेक थे, यहां भी मयंक अभिषेक है, ब्रुक्स थे, ब्रुक्स यहां भी है, उसके बाद में त्रिपाठी को इन्होंने बाहर करके यहां पर क्या है, इन्होंने मार्करम को ले लिया। तो अब मार्करम, ब्रुक्स 2, क्लासन 3 और जेंसन 4, ये चार विदेशी खिलाड़ी इनके खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में। मार्को जेंसन, क्लासन, ब्रुक्स और मार्करम, ये जो है चार विदेशी खिलाड़ी इनके प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। तो यहां पर उसके बाद
में इनकी देखिए इस टीम की अब मैं ताकत बताऊंगा आप लोगों को, वो भी आप समझना। उसके बाद में फजल फारूकी शायद यहां पर 11वें खिलाड़ी के तौर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे फजल फारूकी। तो इनके पास क्या हो गया, गेंदबाजी के तौर पर फजल फारूकी, उमरान मलिक, नटराजन, भुवी, जैनसन, सुंदर, तो 1 2 3 4 5 6 सुंदर तक हो गए। उसके बाद में मार्करम भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो 6 7 1 2 3 4 5 6 7 गेंदबाजी के ऑप्शन हो गए। और कोई पार्ट टाइम गेंदबाज नहीं है, मार्करम को आप पार्ट टाइम गेंदबाज मत समझना, मार्करम भी सॉलिड गेंदबाज है, विकेट चटकाते हैं और करेंगे जरूर गेंदबाजी, 100% करेंगे, कप्तान है तो खुद गेंदबाजी जरूर करेंगे। तो ये जो है ये एक बहुत सॉलिड प्लेइंग 11 इनकी बन गई है। और अब्दुल समद को आप रख लीजिएगा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, किसी भी खिलाड़ी की जगह आप अब्दुल समद को अभिषेक की जगह रख लीजिए, मयंक अग्रवाल की जगह अब्दुल समद को रख लीजिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल गेंदबाजी भी नहीं करते हैं, अभिषेक तो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो यहां पर उसकी जगह आप रख लीजिएगा अब्दुल समद को बल्लेबाजी के लिए, या फिर बाद में आप कैसे भी अब्दुल समद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो भुवनेश्वर कुमार या फिर नटराजन की जगह अब्दुल समद को ले लीजिए, बल्लेबाजी कर लेगा। ये एक आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अब्दुल समद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो नटराजन की जगह अब्दुल समद को ले लीजिएगा। तो ये एक बेहतर प्लेइंग 11 सनराइजर्स हैदराबाद की बन रही है मेरे भाई, कमजोर नहीं है, कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत खराब कर देगी ये प्लेइंग 11, बहुत सॉलिड प्लेइंग 11 सनराइजर्स हैदराबाद के पास, क्योंकि तीन बड़े बदलाव हो रहे हैं, तीनों बड़े बदलाव बड़े खिलाड़ियों के हो रहे हैं, तो तूफानी हो जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।